हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 से रिलेटेड सारी जितनी भी लेटेस्ट न्यूज चल रही हैं। ठीक है, कब तक हो सकती है आप लोगों की परीक्षा और किन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है, क्या जो जैमर्स की बात हो रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि बहुत से जहाँ पर बोला जा रहा है कि जैमर्स वगैरह का भी प्रावधान किया जाएगा ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना हो सके पेपर में जिसके कारण कैंडिडेट्स को असुविधा का सामना करना पड़ सके। क्योंकि अभी कुछ टाइम में आपको पता है इलेक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो सरकार भी कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर लीक के कारण रद्द हुई पुलिस की लिखित परीक्षा दोबारा से अब इस महीने के आखिर में नहीं हो पाएगी। तो पहले बोला जा रहा था कि जो मई मंथ का लास्ट संडे है, ठीक है, तो लास्ट संडे कब रहेगा, अराउंड 29 जून के आसपास, तो बोला जा रहा था यहाँ पर हो सकती है, बट अब इसको यहाँ पर आप देखते हैं कट कर दिया गया है। अब मई मंथ में तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो एक आपको मौका मिल गया एडिशनल आपको तैयारी करने का। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर प्रेजेंस दिखाई थी, जिन्होंने जो प्रेजेंट थे एबसेंट नहीं थे, तो उनको एक शानदार मौका है। ठीक है, इस परीक्षा के लिए अब जून के पहले हफ्ते का समय राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। तो पहले हफ्ते का मतलब कि जहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 5 जून में हो सकती है, बट 5 जून को आपको पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन है, तो देखना होगा कि अब वहाँ पर भी ये डेट फिक्स हो पाती है नहीं। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ यहाँ पर माइंड में सरकार के जरूर आएगी। तो सरकार ने भर्ती का जिम्मा अब जो एडिशनल डीजीपी हैं एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी को सौंपा है। यह काम पहले आईजी जेपी सिंह को दिया गया था, लेकिन अब इन्हें इस पद से बदल दिया गया है। तो आगे देख सकते हैं, अभिषेक त्रिवेदी जी ने भर्ती से संबंधित काम पूरा संभाल लिया है और उन्हें पूरी प्रक्रिया को लेकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है, इसलिए समय की भी थोड़ी सी उनको लग रहा है कि ज़रूरत है। ठीक है, त्रिवेदी साहब को ज़रूरत लगेगी, यही वजह है कि अब भर्ती परीक्षा जून में ही होगी। ठीक है, होम सेक्रेटरी की ओर से दिए गए आदेशों के अनुसार अभिषेक त्रिवेदी यदि समय जरूरी समझे तो भर्ती कमेटी में बदलाव कर सकते हैं, उन्हें यह बदलाव करने भी पड़ेंगे। वहीं आप देखते हैं सरकार की तरफ से यह बात भी साफ कर दी गई है कि जिन भी युवाओं ने पिछले लिखित परीक्षा दी थी, तो जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया था वही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है उन्हीं को ही बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो बेशक अब उनकी आयु सीमा बढ़ गई है, बट फिर भी वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं क्योंकि ये सरकार की तरफ से या फिर कह सकते हैं विभाग की तरफ से लैप्स हुआ है, तो कैंडिडेट का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो जिन्होंने पहले पेपर दिया, चाहे उनकी डेट आगे भी बढ़ गई है, उनको पेपर देने का यहाँ पर पूरा हक है। ठीक है, इस बार आप देख सकते हैं 1334 पद थे, जिसमें से लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैंडिडेट्स ने यहाँ पर परीक्षा दी थी और बहुत से कैंडिडेट्स एबसेंट भी रहे थे। ठीक है, तो लगभग 1046 कैंडिडेट थे जो यहाँ पे अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, कांस्टेबल के पदों के लिए कुल आप देख सकते हैं 1,87,476 आवेदन भी प्राप्त हुए थे। तो ये परीक्षा आपको पता है 27 मार्च को हुई थी लिखित परीक्षा। ठीक है, जिसके बाद इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रद्द कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, देखना होगा कि आगे के आने वाले टाइम में ये कब यहाँ पे फाइनल डेट हो पाती है। अभी तो फर्स्ट वीक में ही बोला जा रहा है, मतलब कि आपको 4 या 5 जून को, मैक्सिमम 5 जून को देखने को मिल सकता है ये पेपर। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि ये संडे वाले दिन हो सकता है, क्या उससे पहले भी हो सकता है, तो क्या 1 जून को कर दें। अभी फर्स्ट वीक बोला है, वहाँ पे कोई डेट नहीं बोली है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट वीक में बस ये कह ये है कि मेन एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, तो देखना होगा क्या वो वहाँ पे डेट कुछ क्लैश होती है या फिर ये थोड़ा सा आगे पीछे एक दो दिन डेट होती है, या फिर वीकडेज़ में ये पेपर हो जाता है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में। तो चलिए दोस्तों, जो भी रहेगा इस न्यूज़ के ऊपर हमारी पूरी नज़रें रहेंगी, पूरी आँखें रहेंगी, और 4 आई विल बी ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।